हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज करनी तो बेटा सबसे पहले हमें नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना? और यही हो पाएगी 1 घंटे में। लेकिन उससे भी पहले बेटा, कल हमने कुछ होमवर्क दिया था बाबू। 9 आइटम्स आपको दी थी, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, एक बार मैं आंसर बता देता हूँ, फिर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। 3 4 नहीं, 2 3 5 6, ये चारों बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना? अभी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है तो बेटा बताओ फटाफट से कुछ भी। फर्स्ट फाइव, फर्स्ट फाइव लो अभी बताता हूँ बेटा। सबसे पहले फर्स्ट की बात करो बेटा, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। सब सामने देखना बहु, डोमेस्टिक टेरिटरी की आपने डेफिनेशन ढंग से अगर याद की है तो एक पोर्शन है मींस पोर्शन, ठीक है? एक पोर्शन है बेटा इंक्लूड पोर्शन, और एक पोर्शन है बेटा डज नॉट इंक्लूड, ठीक है ना? मैं कहता हूं अभी मींस पोर्शन तो बोल जाओ। पहले एक बात बताओ, तीनों इंक्लूड पोर्शन में कहीं पर भी ऐसी कोई बात है? पहले पहले में क्या बात है, शिप्स और एयरक्राफ्ट की बात है तो इंडियन कंपनी का तो शिप्स एयरक्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं। फिर फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैस लिंक की बात है, कोई लेना देना नहीं। एम्बेसीज कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात है, कोई लेना देना। डज नॉट इंक्लूड में सोच लो, फॉरेन एम्बेसी कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात है, कोई लेना देना नहीं। बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कोई लेना देना नहीं। भाई सबसे पहले ना किसी भी चीज को जज किया करो डज नॉट इंक्लूड और इंक्लूड पोर्शन पर। अगर ये पांचों में से कहीं पर नहीं आ रहा तो सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन रहेगा आपके पास और कुछ नहीं रहेगा। तो इंडिया क्या है बेटा? सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया है, क्योंकि पांचों जगह तो आई नहीं रहा। अब एक बात सोचो, इंडियन कंपनी लंदन में है, लंदन में है, लंदन इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है क्या? नहीं। तो कैसे हो जाएगी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना? पांचवा, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो मैंने बोला था डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा आपको प्रॉब्लम ये है कि क्यों है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अगेन पांच में से कई जगह पे आ रही है फॉरेन बैंक की ब्रांच नहीं आ रही, तो डेफिनेशन क्या रह गई? इंडिया क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर इंडिया का, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। क्या था? फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर है ना, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है ना इंडिया, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना जी? और भी किसी की कोई समस्या? किसके साय सही हुई चारों और कोई गलती नहीं करी? अंकित, गुरकीरत, शिवम, अच्छा आंसर 2 3 5 6, ये डोमेस्टिक टेरिटरी, बहुत सारी गलती है। 2 3 5 6 इंडियन एम्बेसी इन जापान क्या है? हाँ तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल तो रहा हूं, 2 3 5 6 बोला तो हो जाता है, जब आंखें नहीं खुलती सुबह सुबह हो जाता है। 7 पे लिख रखा है ब्लैंडर राइट, पता नहीं। चलो जी, देश से भी मारे तो। हाँ जी बात ओके बेटा, बढ़िया आगे। चलो जी सब सामने देखना बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन जितनी कंसंट्रेशन से बढ़ी थी उससे ज्यादा कंसंट्रेशन नॉर्मल रेजिडेंट में लगा दिया, ठीक है? और इसके बाद बता रहा हूँ बेटा, हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे कल से, ठीक है ना? पता नहीं लगेगा, थ्योरेटिकल बातें चलेंगी लेकिन वही सब बेटा प्रैक्टिकल में यूज होगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी? बाबू 3 से 4 दिन के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और बता देता हूँ बेटा अब लगभग कल या परसों के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा बैच, क्योंकि मैटर ये हो जाएगा बेटा कि हम इतनी आगे जा चुके होंगे कि वापसी आने का कोई स्कोप नहीं होगा। मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा और बच्चा कहेगा थ्योरी मैं नहीं करा सकता भाई, ठीक है ना? चलो जी बेटा बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। सब सामने देखेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट मींस एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country. बेटा जिनको नोट्स नहीं मिला मैं नोट्स दूंगा अभी फिलहाल, लेकिन आप सब बोर्ड पर देखो, ठीक
ठीक है जी, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सब समझना समझना, ठीक है जी। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। जैसे कल बेटा मींस पोर्शन इंक्लूड पोर्शन डज नॉट इंक्लूड था, यहाँ पर मींस और सब डज नॉट इंक्लूड पोर्शन, ठीक है ना। लेकिन है डेफिनेशन पिछले से थोड़ी लंबी चौड़ी, डज नॉट इंक्लूड में हमें छह बातें करनी, ठीक है जी। बेटा कहता है नॉर्मल रेजिडेंट मींस एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि बेटा आपको बता देता हूँ, ये टेक्निकल वर्ड है बेटा, वैसे भी बता रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स में भी ना बेटा हम दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग चेक करते हैं, इंडिविजुअल का अलग चेक करते हैं और इंस्टीट्यूशन का अलग चेक करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है बेटा, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सब हो सकते हैं। आपको बता देता हूं, अगर एक कंपनी की रिटर्न फाइलिंग हमारे पास आती है ना, तो सबसे पहले हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट होगा तभी तो इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में फाइल करेगा, अगर होएगी नहीं कंपनी के रेजिडेंट तो कहां से करेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। और उस कंपनी का कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी भी रिटर्न फाइल करनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चेक होता है, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का भी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक होता है। कौन रेजिडेंट है इंडिया का बेटा, अगर ये दो शब्द पूरी है तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो। क्या है बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अगर ऑर्डिनरली आप बेटा इंडिया में रह रहे हो और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया है, तो आप मान लिए जाओगे इंडिया के रेजिडेंट। मैं दोनों में टेक्निकल बात कर दूंगा, और तो बेटा यहां पर मैं तो जरूरी नहीं, किसी बुक में भी लिखी हुई मैं बता देता हूं आपको बेटा, कब एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री। क्या मतलब है बेटा कि वो ऑर्डिनरली इंडिया में रहता हूं। सर अगर साल में 365 में से 182 दिन लगभग आधे दिन आप इंडिया में हो, तो आप इंडिया के रेजिडेंट 182 डेज, ठीक है ना। ये बाद में जाके इनकम टैक्स में पता लगेगा आपको, अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, ठीक है ना। नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन अ कंट्री। ऑर्डिनरली आप इंडिया में रह रहे हो और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है। व्हाट यू मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेटा, तीन वर्ड पता है आपको सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कहते हैं बेटा, ये तीन बातों से मिलकर बता है। अगर आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग और आपका एक्यूमुलेशन इंडिया से है, तो बेटा माना जाता है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया, मतलब कमा रहे हो इंडिया से, अर्निंग स्पेंड कर रहे हो इंडिया और बेटा जोड़ रहे हो इंडिया, तो बेटा आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया ही, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा, क्या बोल रहा हूं, तीन बातों से मिलकर बनता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपकी कमाई, आपके खर्चे और आपका जोड़, अर्निंग स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ठीक है। बाबू कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, प्रोवाइडेड दो शर्तें पूरी की हो, ऑर्डिनरली बेटा उसी कंट्री में रह रहे हो और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो कंट्री है, क्लियर है। बढ़ जाएं आगे, एक्यूमुलेशन मतलब जोड़ना, सेविंग्स कर, हां जी कोई दिक्कत तो नहीं। अभी एक कल की न्यूज है, पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक रेट हुई है पता है, बहुत लंबी चौड़ी जो मैंने भेजी आज 150 करोड़ रुपए नगद। पता क्या हुआ आज, हेडलाइन क्या थी हमारे उजाला में, क्या हेडलाइन थी, मशीनें भी नोट गिनते गिनते काप गई, 24 घंटे लगातार मशीनें चली हैं साथ, उसका 13 मशीनें और बुलवाई, पहले जीएसटी ने रेड की थी, जब इतना कैश मिला तो इनकम टैक्स वालों को भी बुला लिया, ऐसा कहां से आ गया, छापा था भाई। हां तो जी भाई पता ही नहीं क्या था, 150 करोड़ नगद, सात मशीनें 24 घंटे तक नहीं रुकी, इंडिया पुअर कंट्री नहीं है,
बट इंडियंस आर पुअर। बहुत पैसा भाई, जो शुरू के 1% लोग है ना इंडिया के, उनके पास इंडिया का 99% पैसा है, और बचे हुए 99% लोगों के पास इंडिया का बस 1% पैसा है। बॉटल नेक बोलते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया आपको। चलो घर छोड़ो, लो बेटा करते हैं बात, ठीक है ना। हम तो बस बोतल का बेटा ऊपर ऊपर के नेक में फंसे हुए, ठीक है ना। मेन मलाई किसी और के पास है, चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा पूरे है? अब आए, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स हु विजिट्स द कंट्री, हु विजिट्स द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस। लो बेटा सामने देखना बाबू, जनरल डेफिनेशन थी। ऑर्डिनरली आप एक कंट्री में रहोगे और बेटा आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री आएगी तो आप बेटा उसके रेजिडेंट हो जाओगे, पर बेटा ये एक्सेप्शन है, ये बाहर निकल दिया, ठीक है बाबू पढ़ना जरा। कहता है बेटा फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, फॉरेन से कोई टूरिस्ट आया या कोई विजिटर आया, वो विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ, उसने इंडिया को विजिट करा और पर्पस बेटा ये छह, चाहे रिक्रिएशन के लिए, चाहे हॉलीडेज के लिए, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे स्टडीज के लिए, चाहे स्पोर्ट्स के लिए, चाहे कॉन्फ्रेंसेस के लिए। क्या वो इंडिया के रेजिडेंट बन पाएंगे? नहीं बेटा, क्योंकि डस नॉट इंक्लूड पोर्शन में लिखा है कि ये नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे इनकी स्टे 182 डेज से ज्यादा हो, चाहे इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी डीआई आ रहा, तब भी नहीं बनेंगे। मैं बोलता हूं बेटा एक सिंपल सी बात सोचना, मान लो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जनवरी मंथ में इंडिया में सीरीज खेली है, ठीक है, बीसीसीआई ने बेटा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ तय करा और बेटा जनवरी में सीरीज है, और वो सीरीज में बेटा मान लो 5 टेस्ट मैच है, 4-5 वनडे है, T20 है, डेढ़ महीने बड़ा टूर है, ठीक है, डेढ़ महीने इंडिया में वो रहे, उसके बाद मान लो वो आईपीएल के लिए यहीं रुक रहे और आईपीएल स्टार्ट हो गया, करते करते बेटा उनका स्टे 182 डेज से इंडिया में ज्यादा हो गया और कमा भी सब इंडिया से रहे, तो क्या बेटा वो इंडिया के रेजिडेंट हो गए? होने चाहिए, जनरल सेंस क्या कहती है, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बेटा, तो यही बात वो कह रहे हैं और बाहर भी निकाल रहा। देखो बेटा क्योंकि वो स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, उनका पर्पस स्पोर्ट्स है बेटा, वो कभी इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे। मैं बोलता हूं बेटा आपके यहां पर एक यूनिवर्सिटी है नोन एज एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, ठीक है बेटा, कोई साउथ अफ्रीका से पर्सन वहां पर पढ़ने आया, ठीक है, 5 साल बड़ा कोर्स कर रहा है वो, मान लो कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, BLLB कर रहा है 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स, अब बेटा वो 5 साल इंडिया में रहेगा, क्या ऑर्डिनरी इंडिया में रह रहा है? रह रहा है, और मान लो इंटर्नशिप कर रहा है, कुछ कमा भी रहा है बेटा, तो बेटा क्या कुछ अर्निंग हो रही है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जी हाँ इंडिया, तब भी वो क्या बेटा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा? नहीं बेटा, ये एक्सेप्शन है बाहर निकालती है कि अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो या विजिटर हो और आपने इन 6 पर्पस के लिए इंडिया को विजिट किया है, कभी भी बेटा आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनोगे, ठीक है ना। एक पर्पस है बेटा रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मींस एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। आप कुछ सोचो बेटा, जब ऑस्ट्रेलियन टीम टूर पर आई इंडिया, साथ ही साथ बेटा ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां से बहुत सारे फैंस आए मैच देखने, क्या बेटा वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे मैच देखने आए तो? नहीं बेटा, और क्लियर कट बेटा आपके जनरल सेंस भी कहती है और ये स्टेटमेंट भी कह रहा है कि अगर आप रिक्रिएशन के लिए इंडिया आए हो ना, तभी बेटा आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनोगे। और रिक्रिएशन के एग्जांपल और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, ठीक है ना, फॉरनर्स की फिलोसफी अलग है, 6 महीने कमाओ 6 महीने उड़ाओ, उन्होंने 6 महीने कमा लिया, पूरा जम के कमाया, अब उड़ाने के लिए बेटा वो उन्हें और अच्छी कोई जगह नहीं मिलती, इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में भाई उनका डॉलर 75-76 रुपए का, ठीक है ना, $10,000 भी लेकर आए तो भाई साहब 7,60,000 रुपए लेकर है, ठीक है ना, और वो कुछ नहीं करते बेटा, 6 महीने का टूरिस्ट वीजा लगवा के इंडिया आते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ नहीं करते बेटा, ठंडी ठंडी जगहों पे पड़े रहेंगे, ऋषिकेश जाके पड़े रहेंगे 6 महीने, ठीक है ना, या मैं कहता हूँ गोवा जाके बैठे रहेंगे, तो बेटा उनका यही काम है और कुछ, 6 महीने के लिए आए हैं, क्या बेटा वो इंडियन रेजिडेंट बन जाएंगे?
नहीं बनने पाएंगे बेटा कभी, क्योंकि रिक्रिएशन का धार निकाल देगा। समझ आई बात बेटा? हाँ जी सर। रेजिडेंट बनने के लिए एक साल के लिए थोड़ी 182 दिन हर साल रहना होगा या एक ही साल में? मतलब बाबू हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है ना। अच्छा, हर साल का उस साल के लिए। हाँ, उस साल के लिए। ऐसा हो सकता है आप एक साल के लिए इंडिया के रेजिडेंट हो, दूसरे साल के लिए अमेरिका के रेजिडेंट हो। रेजिडेंशियल स्टेटस जिंदगी भर का नहीं होता, हर साल का अलग होता है। मान लो यार आप कोई इंसान जो इंडिया में अभी रह रहे हो, इंडिया में ही बेटा अर्निंग किस मींस है आपके पास, और अगले साल बेटा आप अमेरिका में रहे हो 200 दिन और अमेरिका से ही आपने कमाया, तो बेटा इस साल आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अगले साल अमेरिका के हो। ये कोई मोहर नहीं लगता कि आपके ऊपर बस हाँ एक ही बार पूरा करना है? फिर तो बचपन में आप इंडिया में पैदा हो गए तो इंडिया के रेजिडेंट हो ही गए थे, पूरे साल इंडिया ही रहे थे, ठीक है ना। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग होता है। फिलहाल बताओ इतनी बात ओके है। बाबू मुझे ये 6 वर्ड याद कराने हैं और मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है इसका। आर ने एचएम की पढ़ाई करी एज वेल एज एसएससी का पेपर क्लियर कर, होटल मैनेजमेंट एसएससी स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है बेटा, रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है जी। बेटा ये 6 वर्ड बढ़ जाए आगे। बेटा आगे बढ़ते हैं, सेकंड एक्सेप्शन लिखता हूं, डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में सेकंड बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ये लो, मैं भी लिख देता हूं, ये सबसे खतरनाक चीज है बेटा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, लो पहले बच्चों पहले इसको आराम से पढ़ देते हैं, ठीक है ना, और बेटा फिर इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इसका जबरदस्त है बेटा, बहुत अच्छे से सोचना है इसको। कहता है बेटा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ अ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे क्योंकि डज नॉट इंक्लूड पोर्शन, ये नहीं बनेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, है ना। चलो अब इसकी लैंग्वेज पे जाना है, लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी थोड़ी बहुत टेढ़ी टूढ़ी है। बाबू कल सर डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, और उसमें डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में सबसे पहली बात पढ़ी थी फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, ये ऐसे पढ़ा होगा, एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ऐसे लिखवा था, ठीक है ना बेटा। अगर फॉरेन कंट्री की एम्बेसी इंडिया में तो बेटा किसका पार्ट है? फॉरेन कंट्री का पार्ट है ना। अगर फॉरेन कंट्री की बेटा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो फॉरेन कंट्री का पार्ट है, इंडिया का पार्ट कभी ना बनने पाएगा, ठीक है ना जी। लो एनालिसिस करते हैं बेटा इसका, ठीक है, सारे वर्ड भूल जाओ, बस एक बात याद रख लो, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, अभी बीच की बात भूल जाओ। तो एनालिसिस करने के लिए एक बॉडी उठाना पड़ेगा मेरे, ठीक है ना, बीच में सारे वर्ड कॉमा कॉमा करके है बेटा, यानी कि जो नियम इसमें लगेगा वही सब नियम बाकी तीनों पे भी लगेगा, ऑफिशियल्स पे भी, डिप्लोमेट्स पे भी और मेंबर ऑफ अ आर्म फोर्स पे भी वही नियम लगेगा, ठीक है। पहली 4 वर्ड और आखिरी के 4-5 वर्ड ये देख लो। लो जी सबसे पहले क्योंकि हमें समझ इंडिया से आएगा बेटा, तो मैं इंडिया के एंगल से लिखूंगा। एग्जांपल, लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, मान लो बेटा गिवन कंट्री इज इंडिया, गिवन कंट्री इज इंडिया, ठीक है, और बेटा कहता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, अभी फॉरेन स्टाफ को भूल जाओ, पहले इंडिया में एम्बेसी इंट्रोड्यूस करो, क्या इंडिया में इंडियन एम्बेसी होगी? सोचने की बात है, इंडिया में इंडियन एम्बेसी होगी, क्या करेगी इंडियन एम्बेसी? इंडिया में इंडियन एम्बेसी तो नहीं होगी ना, बाकी किसी और देश की होगी ना। मान लो बेटा रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, और आप डालो फॉरेन स्टाफ, रशियन ही कोई पर्सन है जो इसमें काम कर, अब बताओ मेरी बात पूरी सेटिस्फाई हुई कि नहीं? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, मैंने गिवन कंट्री भी मान ली, एम्बेसी भी डाल दिया, उसमें फॉरेन स्टाफ भी डाल दिया, कहता है ये कभी इंडिया का मेंबर नहीं होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में लिखा है ना, और बेटा होना भी नहीं चाहिए। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया, और एक इंसान मैं बोलता हूं रोज रशिया में ही काम करता है,
अगर वो रशिया में वैसे इंडिया में काम कर रहा है तो काम तो रशिया में कर रहा है ना, सुबह शाम रशिया में काम कर रहा है ना बेटा, वो इंडिया में तो नहीं काम कर रहा ना, हम कभी नहीं मानेंगे ना वो इंडिया है बेटा। तो एक इंसान सुबह शाम रशिया में काम कर रहा है वो कभी इंडियन बन जाएगा क्या? रहेगा वो रशिया नहीं तो रहेगा। समझ आई ना बात बेटा? मैंने क्या करा, लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, जो हमें समझ में आ सकता है इंडिया से ही समझ में आ सकता है, इसमें इंडिया ही डाला बेटा मैंने, उसमें एक एम्बेसी डाली बेटा और उसमें फॉरेन स्टाफ डाला। फॉरेन स्टाफ होता है एम्बेसी लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, कभी भी बेटा उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनता नहीं। क्लियर है ना बात? अच्छा मजा तो तब आ जाए अगर मैं कह दूं ये काम करने वाला इंडियन है तो क्या होगा? अच्छा कहीं पर लिखा है Does not include वही लिखा है, लिखा तो नहीं। अब ये मानना तो जाएगा, ये कहां से मानना जाएगा यही तो सोचना है, क्योंकि वो रशिया में काम कर रहा है और रशिया में लेकिन स्पेंड तो इंडिया में कर रहा है। हां तो अभी रुक जाओ, फिर नहीं तो बात है ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, करेंगे बात पक्का ठीक है ना। कोई इंडियन काम करे रशियन एम्बेसी में और इंडिया में काम करे तो क्या होगा बेटा? अभी करेंगे 5 मिनट के बाद बात ठीक है ना। लेकिन आप ये समझ लो बेटा रशियन एम्बेसी में सारे रशियन तो नहीं होते होंगे, इंडिया में रशियन एम्बेसी है सारे रशियन वो भी नहीं रखते होंगे। मैं कहता हूँ छोटे मोटे काम के लिए तो बेटा वो इंडिया से ही बंदा लेते होंगे, उन्होंने एम्बेसी में साफ सफाई करानी है बेटा उसके लिए भी रशिया से बुलाएंगे बंदा। हो तो होता तो होगा इंडियन कोई ना कोई, ये तो बात सोचने वाली है क्या नहीं है? है ना सोचने वाली बात? बात समझ में आई अभी तक जितनी मैंने बोली? अच्छा बेटा सेम बात अगर मैं करूं, बाबू आपने रशिया ने इंडिया में कोई आर्मी कैंप लगाया ठीक है, एक महीने के लिए दोनों आर्मीज ने इकट्ठे प्रैक्टिस कर ठीक है, आपने कोई आर्मी कैंप लगाया दैट मींस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगाई, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया किस देश का पार्ट बनेगा? रशिया का इंडिया का? कल पढ़ा, अरे कल पढ़ा तो था यार, रशिया का एक तो पार्ट बनेगा मेरे, पढ़ा नहीं था क्या कल? एम्बेसी कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री पढ़ा था ना बेटा हमने कल। बाबू तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी अब क्या बनेगा? रशिया बनेगा, रशिया ने इंडिया में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगाया एक महीने के लिए, रशिया का पार्ट बनेगा। मैं कहता हूं उसमें काम कर रहे हैं मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, भाई आर्मी आई है ना, आर्मी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा बेटा? बाबू क्या रहेगा? रशिया ही रहेगा, क्योंकि यहां पर क्लियर कट लिखा है बेटा अगर आप फॉरेन स्टाफ हो एम्बेसी के या फॉरेन के ऑफिशियल्स हो या फॉरेन के डिप्लोमेट्स हो या बेटा मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, गिवन कंट्री इज इंडिया, यू आर अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स बेटा, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में रह रहे हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही रशिया माना जाता है, तो आप सुबह से लेकर रात तक रशिया में तो रह रहे हो, कहां से इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे? क्लियर है ना बात? ओके हो ना मैं इस बात को लेकर? भाई ये सबसे मुश्किल पॉइंट था, अगर ये झेल लिया ना बेटा बस बच्चा कुछ नहीं इसके अंदर ठीक है जी, भगाऊंगा फटाफट से। लो जी बेटा दो बातें बिल्कुल क्लियर है, कुछ रिपीट कराना करा बाबू, मैं रिवाइज ही कर देता हूँ। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है बेटा? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ध्यान रखना आपकी लिटिल नॉलेज ये कहती है बेटा सिर्फ इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस चेक होना चाहिए, पर बेटा वाइजर नॉलेज ये है हर इंस्टीट्यूट का भी रेजिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है। हो सकता है बेटा आप कोई अमेरिका की कंपनी हो, अमेरिका में एस्टैब्लिश हुई हो, लेकिन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पिछले साल 200 दिन इंडिया रहकर गया और इंडिया से कमा के गया है, तो बेटा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया का रेजिडेंट बना, लेकिन बेटा आप क्योंकि अमेरिका की कंपनी हो, आपने अमेरिका में कमाया, आप जो कंपनी थी जो इंस्टीट्यूशन था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस अमेरिका, तो ऐसी चीजें बहुत होती हैं दुनिया में ठीक है ना। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है, इंस्टीट्यूट का अलग हो सकता है ठीक है ना बाबू, शर्तें दो ही हैं, आप ऑर्डिनरली बेटा उस कंट्री में रहे हो और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोई कंट्री है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मेरा मतलब तीन बातों से है, अर्निंग स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन ठीक है जी। लेकिन बेटा डज नॉट इंक्लूड पोर्शन कहता है 6 चीजों को बाहर कर देंगे, सबसे पहली बात सबसे आसान, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ RHMSSC रिक्रिएशन हॉलिडे मेडिकल ट्रीटमेंट स्टडी स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंसेस ठीक है जी। अगर आपने इन पर्पस के लिए आपने इंडिया को विजिट किया है बेटा तो आप वो कितने भी दिन रह जाओ कितना भी कमा लो आप बेटा इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनोगे कभी भी। सेकेंड वन
फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसीज ऑफिशियल्स डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ अ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। इसको समझने के लिए पहले गिवन कंट्री डालो, उसमें एम्बेसी डालो और उसमें फॉरेन स्टाफ डालो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा ये कभी भी इंडिया का रेजिडेंट बन नहीं सकता, क्योंकि बेटा सुबह से लेकर रात तक बेटा एक इंसान रशिया में काम करता है, रशिया में पैसे इंडिया, दैट मींस इट इज अ रशिया। तो बेटा वो कहां से बन जाएगा इंडियन? सेम बात मैं बोलता हूं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है रशिया के इंडिया में बेटा, तो सुबह से लेकर वो आर्मी हमेशा से ही काम कर रही है रशिया में, तो कहां से इंडियन बन जाएगी भाई? जब उस चीज को ही इंडिया नहीं माना जाता तो उसमें काम करने वाला कैसे इंडियन बन जाएगा, ठीक है ना। तो सोचने वाली बात है। चलो पढ़ते हैं आगे बेटा। बाबू डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में यहीं से लिखूंगा 3, 4, 5, 6 पॉइंट, ठीक है ना। ऐसा होगा शायद 6 पॉइंट ना लिखो, बस 6 पॉइंट आपको नोट से रीड करा दो। थर्ड वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO एक्सेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड। लो बेटा सिंपल भाषा बाबू, पहले तो ये समझ लो कि मेरी मजबूरी क्यों थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा कर। मेरी मजबूरी इसलिए थी बेटा क्योंकि डेफिनेशन में वर्ड लिखा है इंडिविजुअल भी होता है रेजिडेंट और इंस्टीट्यूट भी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट होता है। इस चक्कर में बेटा मुझे इसकी बात लिखनी पड़ी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही है। कहता कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो WHO है, चाहे वो UNO है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक ऑफिस है, चाहे वो IMF का ऑफिस है, ये किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं माने जाते, जहां मर्जी हो बेटा किसी देश के रेजिडेंट नहीं है। ऐसा माना जाता है दे आर द रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज, ये किसी इंटरनेशनल एरिया में रहते हैं, किसी देश में नहीं रहते, किसी भी देश में नहीं रहते, किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। पर नॉर्मल डेफिनेशन देखोगे ना तो नॉर्मल डेफिनेशन कवर हो जाएगी। मान लो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है इंडिया, तो ऑर्डिनरी इंडिया में ही रहा है, और बेटा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया, इंडिया से ही कमा रहे हैं, इंडिया में खर्च रहे, इंडिया में छोड़ रहे, तो नॉर्मल डेफिनेशन में तो कवर हो रहे हो आप। लेकिन बेटा ये बाहर निकाल देता कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी किसी का भी नाम ले लो बेटा, ठीक है ना, कहीं मर्जी लोकेटेड है, उस देश के रेजिडेंट कभी नहीं बने, किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं। थर्ड वन तो सबसे इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। लो जी, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच they belong, exception बेटा सामने देखना, हमने क्या लिखा, employees of international organization are considered resident of a country to which they belong, ये उस देश के रेजिडेंट माने जाते हैं बेटा जिस देश को बिलोंग करते हैं, ना कि उस देश के जहां वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। समझाने के लिए बेटा बात करता हूं, सामने देखना, WHO का ऑफिस इन इंडिया, लेकिन बेटा काम करने वाला अमेरिकन। पहले ये देखो क्या मैंने एम्प्लॉय डाल दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने एम्प्लॉय डाल दिया बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इसी पॉइंट से तो रिलेट करता है हमारा पॉइंट, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाली और उसमें काम करने वाला बेटा एक अमेरिकन डाल दिया। WHO का ऑफिस इंडिया में है बेटा लेकिन काम कर रहा है अमेरिकन। अब पढ़ो बेटा क्या कहता है, एम्प्लॉय ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग, ये उस देश के रेजिडेंट रहेंगे जिस देश को बिलोंग करते हैं, ना कि उस देश के जहां वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। यानी कि बेटा ये कभी इंडियन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ये हमेशा कह रहेगा बेटा अमेरिकन ही रहेगा।
ये उस देश का रेजिडेंट माना जाएगा जिस देश को ये बिलोंग करता है, ना कि उस देश को जहां वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। लेकिन बेटा यहां पर मैंने एक और लिखा एक्सेप्शन, इसकी एक एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन क्या है? अगर इसकी स्टे एक साल से ज्यादा है तो बेटा एक साल के बाद इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाएगा, फिर ये उस देश का रेजिडेंट माना जाएगा जहां वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। ऐसा क्यों बेटा? देखो बता देता हूं, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में ना एक साल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखो बेटा आप 6 महीने से WHO के ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी अमेरिकन। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा इंडिया में काम करते हुए आपको हो चुका है तो यकीन मानना आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया ही आ रहा होगा। कमा कहां से रहे हो? खर्च कर रहे हो? इंडिया। जोड़ कहां रहे हो? तो नॉर्मल डेफिनेशन में आ जाओ क्या? इसलिए एक साल की बहुत अहमियत है। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश के रेजिडेंट होती है? नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन उसमें काम करने वाला एम्प्लॉई नॉर्मल रोल ये कहता है बेटा, एम्प्लॉई जिस कंट्री को बिलोंग करता है उसका नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन एक्सेप्शन ये कहती है अगर आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है काम करते हुए तो आप उस देश के रेजिडेंट माने जाओगे जहां वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड होती तो आप ऑस्ट्रेलिया बन जाते, ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते बेटा इस साल के। क्लियर हो इस बात को लेकर? पक्की बात? तो 4 बातें कर ली हमने एक्सेप्शन में, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंसेस। बेटा फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ अ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कंसीडर्ड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड, दे आर कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। वो किसी देश की रेजिडेंट नहीं है, वो हमेशा इंटरनेशनल एरियाज की रेजिडेंट है। Employees of the international organization are considered to be the resident of a country to which they belong. Exception here, beta. However, if their stay is more than 1 year, then they are considered to be the normal resident of a country to, in which their international office is situated. हैं जी, बात ओके? रिपीट कर रहे हैं, सेवन कुछ कह रहा था क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है क्या चेक करा है? जब आप बुक पढ़ोगे ना तो बुक ने भी क्या कर रखा है बेटा, एक ब्लैक कॉलम में लिख रखा है और बता रखा है आपके कोर्स का पार्ट। लेकिन मैंने बता दिया तुम्हारे को, ठीक है ना? टीचर तो अच्छी हरकतें कर ही सकते हैं भाई, मुझे पता ही है सबका। क्लियर है बात? बढ़ जाए आगे। चलो जी बेटा, फिफ्थ वन, फिफ्थ और सिक्स्थ वन रह गए बस बेटा, इजी इजी लो फटाफट से खत्म करते हैं बेटा। फिफ्थ वन, क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल, क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड their stay is less than 1 year. लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, कहता है क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल, कोई बेटा क्रू मेंबर आया फॉरेन वेसल के साथ, इंडिया में वेसल आ रहा है बेटा कोई सामान लेकर, साथ में क्रू मेंबर आती है बेटा कैप्टन और बहुत सारे मंगे, क्रू मेंबर आ रहे हैं बेटा फॉरेन वेसल के साथ, कोई कमर्शियल ट्रैवलर आ रहे हैं इंडिया। कमर्शियल ट्रैवलर क्या होता है बेटा? आप कमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया को ट्रैवल कर रहे हो, रॉ मटेरियल देखने के लिए, मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए, मार्केट के लिए, अपने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो बेटा आप कमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया आ रहे हो। या सीजनल वर्कर, ठीक है ना, ढाबा मोमोज बनाने आ गया, ठीक है ना, मोमोज अच्छे बिकने लगे बेटा, ठीक है ना, तो कोई सीजनल वर्कर, ठीक है ना, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। सर कंडीशन क्या है? आप तीनों में से कोई भी आ जाओ, अगर आपका 1 साल से कम का स्टे है, मैं अभी बोल चुका हूं 1 साल की बहुत अहमियत है, अगर आपका स्टे 1 साल से कम है तो आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनोगे, क्योंकि डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं, नहीं बनोगे। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा है तो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे।
और आप तुम सोचो एक साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, फॉरेन वेसल के साथ कोई क्रियो मेंबर आएगा एक साल रुक जाएगा, आपको लगता है भाई 15 दिन रुक जाएगा वेसल, 20 दिन रुक जाएगा, 20 दिन बाद चला ही जाएगा ना, कोई कमर्शियल ट्रैवलर आएगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने आएगा इंडिया, कितने दिन रुक जाएगा, 5 दिन 10 दिन रुक जाएगा भाई, 20 दिन रुक जाएगा, महीना 2 महीना 6 महीने रुक जाएगा, बहुत टाइम होता है एक साल। और भाई सीजनल वर्कर रहेगा, एक सीजन करने आया बेटा, कोई भी सीजन समझ लो, दिवाली के सीजन में लेबर के तौर पर आया बेटा, महीना रुक जाएगा, सर्दियों में सूप लगाने आया कितने दिन रुक जाएगा भाई, 2-3 महीने रुक जाएगा, ठीक है ना, सब मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है ना, बहुत सारे नेपाली इंडिया में आज की तारीख में काम कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। थापा किसको बोलते हैं आपको पता है ना, नेपाली को बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, अगर उनका स्टे एक कंडीशन है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मींस कंडीशन है एक साल से कम होना चाहिए तो आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनोगे, डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में, लेकिन अगर एक साल से ज्यादा है आपका स्टे तो बेटा इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट, पता है ना, एक साल से ज्यादा होते ही बेटा सब कुछ यही आ रहा होगा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, हर चीज इंडिया ही निकल रही होगी, ठीक है जी। लास्ट वन बेटा, बस आप सामने देखेंगे लास्ट का एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने फिर लिख दिया, एक मैंने सेकंड पे लिखा है और एक मैंने सिक्स्थ पे लिखा है, ठीक है जी, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, अगर लैंग्वेज भी इजी कर दूंगा, बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, कोई बॉर्डर वर्कर है बिल्कुल बॉर्डर के पास रहता है, crosses the border on regular basis to work in other country, roll border cross करता है दूसरी country में काम करने के लिए, he is considered to be the normal resident of a country in which he live, not where he work from। समझाने के लिए बेटा एक बात बोल देता हूँ, बाबू आपने ना अभी ये चीज IED में भी पढ़नी है, ठीक है ना, मैं भी बता देता हूँ बेटा, आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर पढ़नी है इस साल आपने, अभी यूरोपियन कंट्रीज 12 या 13 कंट्री है जो बेटा कहीं बॉर्डर का डिमार्केशन भी नहीं, 13 कंट्री इकट्ठे रहते, ठीक है, एक का वीजा लगवा लो 13 में घूम लो, एक ही करेंसी खरीद लो 13 में चला लो, ठीक है ना, एक वीजा का 13 कंट्री घूम सकते हो, एक करेंसी खरीद के 13 देशों में चला सकते हो, तो वहां कोई बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं है। अब उसके लिए बेटा ये काम की बात है, बाबू कहता है बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, आप कोई बॉर्डर वर्कर हो बॉर्डर के आसपास रहते हो, crosses the border on regular basis to work in other country, roll border cross करता है दूसरी country में काम करने के लिए, you are considered normal resident of a country in which you live, not where you work from, जहां काम करते हो वहां के normal resident नहीं हो, कहां के normal resident हो, जहां रहते हो, ठीक है जी। ये बेटा इंडिया का border, ये पाकिस्तान, बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कभी एयर स्ट्राइक, यू आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन व्हिच यू लिव, नॉट वेयर यू वर्क फ्रॉम, ठीक है ना, हाँ ये वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा है। चलो बहु बात ओके है क्या, ठीक है ना, आइए याद रहेगा इंडिया पाकिस्तान में से भी तुम्हें बहुत अच्छे से, यहाँ आपने एयर स्ट्राइक करने के तो क्या हो गया, रहते तो इंडिया में, अगर अब आपको बता देता हूं तो एक बात छुड़वाई थी वो भी याद करा देता हूं बेटा। सेकंड एक्सेप्शन, लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, अज्यूम करो उसमें एक एम्बेसी डालो और अब डाल दो इंडियन, हाँ ये यहां कवर होगा सिक्स पॉइंट में, देखो सुनो, यू आर अ बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, रहते कौन इंडिया, मतलब शाम को 7-5 बजे छुट्टी हुई है वैसी से इंडिया में रहते, सोते कहो इंडिया में, उठते कहो इंडिया में, लेकिन बेटा जब काम करने चले जाते हो तो रशियन एम्बेसी में काम करने चले जाते हो, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी रशिया, यानी कि 10 से 5 काम करता हूं रशिया में, 5-1 में इंडिया में आ जाता हूं, पैर बाहर रखते, ठीक है ना, और 10 बजे पैर रखता हूं तो फिर रशिया में पहुंच जाता हूं, यू आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच यू लिव, नॉट वेयर यू वर्क फ्रॉम, यानी कि आप नॉर्मल रेजिडेंट कहां के हो, इंडिया के, ठीक है ना, तो ये वाली बात भी बॉर्डर वर्कर में ही कवर होती है, क्लियर हो इस बात को लेकर, ठीक है। चलो जी अब एक जरा थोड़ा सा एक्सरसाइज भी दे दी जाए आपको कि क्या कौन कौन से पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं, रुक देना भाई, ठीक है ना, ये करके लाना बेटा, ठीक है बाबू।
इस बुक में ही है, ठीक है ना, ये इस बुक में ही है बेटा, ये संदीप गर्ग की बुक में पेज नंबर 2.3 पर, ठीक है ना। और बेटा आपको कहा गया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये करके लाना है अपने होमवर्क के तौर पर। ग्रुप में भेज दीजिए, फोटो भेज देते हैं ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं, ये बनाना पड़ेगा अलग ग्रुप। बाबू एक बात और सुन लो, कल संडे है, कल अभी छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे, ठीक है। और बेटा साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।